बड़े फास्ट नहीं लग रहा आपको? अपने कॉपी में घर पे करके देखो ना, स्क्रीन में उल्टा नजर आएगा बेटा, जो मेरी स्क्रीन हो उसमें आपको उल्टा नजर आएगा बेटा जी। मेरी स्क्रीन जो दिख रही होगी सर उल्टा नजर आ रहा होगा, इसलिए ये नजर आ रहा। सीधा ऐसे करके में देखो, ऐसे करके सीधा नजर आ रहा है। अभी तो अब तीन पेन यूज करो सभी लोग, सभी लोग अपने घर में तीन पेन उठा लो, तीन पेन सभी के सभी। एक मिनट के अंदर सभी लोग अपने घर में तीन पेन उठाओ, तीन पेन सभी। एक मिनट दे रहा हूँ मिनट मैं, रुकना। हाँ मैं रुका हूँ जी। अपने घर में सब लोग तीन पेन उठा लो, तीन पेन। सिमरन जी, शालू जी, इंदु जी, शीतल जी, सब लोग, नीतू जी, तीन पेन उठा लो सभी के सभी। तीन पेन, सारा खेल पेन का ही। घर में से तीन पेन उठा लो, तीन पेन, एक दो तीन। क्योंकि अगर क्लास फिजिकली होती तो आपके सामने में दिखा देता जी। अभी आपको तीन पेन उठाने पड़ेंगे सबको। सब लोग तीन पेन उठा लो, उठा लिए सर। सबने उठा लिए, सबने तीन पेन उठा लिए। अर्जुन जी, हाँ सर। तीन पेन को, एक पेन का जो निब है वो अपने चेहरे की तरफ रखो, अपने चेहरे की तरफ। एक पेन का जो निब है अपने चेहरे की तरफ रखो, वो शो कर रहा है आइडियल आपकी तरफ। एक पेन का निब अपने चेहरे की तरफ रखो, वो शो करेगा आइडियल आपके चेहरे की तरफ। रखा रखा सभी ने? नीतू जी रखा? जल्दी बेटा यस सर। रेस्पॉन्स जल्दी दिया करो फटाफट जी। दूसरा पेन रखो जी, राइट, उसका पिन होना चाहिए राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड टुवर्ड्स योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड की तरफ। दूसरा पेन आपके राइट हैंड की तरफ रखा, क्योंकि ये हमारी ये राइट है, राइट राइट की तरफ है, तो राइट हैंड की तरफ। तो आपका पेन का फेस एक ऐसा होना चाहिए और दूसरा राइट हैंड में होना चाहिए जी। रखा सभी ने? अरे जल्दी बोलो ना यार। यस सर। सबने रख लिया, अभी सभी ने रख लिया जी, वेरी गुड जी। अब देखो जरा आगे सभी लोग जी, अब जो फिंगर है वो घुमाना आइडियल से आर की तरफ। आइडियल हुआ जो पेन आपकी फेस की तरफ है, उससे फिंगर घुमानी है राइट हैंड की तरफ। देखो थम ऊपर जा रहा हो, देखो थम ऊपर जा रहा सभी का राइट हैंड से। सर क्या करना है? फिंगर घुमानी है आइडियल से आर की तरफ, फिंगर घुमानी है आइडियल से आर की तरफ। आइडियल कौन सा है? इन टू द प्लेन जा रहा है बड़े, जाएगा नहीं। आइडियल कहां पर है? आपके फेस की तरफ। आइडियल आपके फेस की तरफ है, ऐसे आपकी तरफ, फेस की तरफ, और आ रहा है राइट हैंड में। फिंगर घुमाओ, थंब ऊपर जाएगा जी, देखो ध्यान से। आइडियल से फिंगर ऐसे घुमाओ जी, मैं आपको एरो लगा के दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। ऐसे घुमानी फिंगर, ऐसे करके जी, फिंगर घुमानी ऐसे करके, ऐसे करके एंटी क्लॉक वाइज। सर अगर जो आ रहा है वो हमारे राइट हैंड की तरफ होगा तो फिर तो आ रहा है आउटवर्ड। बड़े मैं जो बता रहा हूँ वही करो बस, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना जी। सो ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है, ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलर, पहले बताओ छोटा, ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर, ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर जाएगा जी, ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा जी, ऐसे जो मैं ब्लैक पेन शो कर रहा हूँ ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके देखो जी। आप जब घुमाओगे ना अपने चेहरे से इस पिन की तरफ घुमाओगे राइट हैंड वो भी, तो आपका जो थंब होगा ना वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रहा सभी का। चेक करो सभी लोग एक बार, अर्जुन जी जा रहा है भाई? हाँ सर। सभी का जा रहा है? नीतू जी जा रहा है? यस सर। सिमरन जी जा रहा है? यस सर। तिरछा करो उसको, थोड़ा झुका दो पूरे सिस्टम को, थोड़ा नीचे झुका दो, नीचे झुका दो, नीचे पूरे सिस्टम को थोड़ा नीचे झुका दो नीचे। और जो तीसरा पैन है उसके डायरेक्शन देखो, पूरे सिस्टम को ऐसे करके झुका दो। और जो डीवी, अब जो आपका तीसरा पैन है उसके डायरेक्शन देखो, तिरछी आ रही है सेकंड नंबर की, आ रही है कि नहीं आ रही है जी? आ रही है क्या सर? क्या करना है? जो सिस्टम था ना ये, इसको थोड़ा नीचे झुका देना बस। अभी डीबी ऊपर है ना, डीबी ऊपर आ रहा है, जब बिल्कुल ऐसे करके है तो डीबी ऊपर आ रहा है। यस सर। अब हमारा जो डायग्राम एक्चुअल में जो आपके सामने स्क्रीन में डायग्राम आ रहा है उसमें तो आप थोड़ा नीचे है ना ऐसे करके, ये हमने हमने तो अभी आ रहा ऐसे रखा हुआ है, पर हमारा एक्चुअल में आप थोड़ा नीचे है, आप उसको थोड़ा ऐसे झुका दो नीचे की तरफ, ऐसे सिस्टम को, मतलब पेन की पोजिशन नहीं हिलनी चाहिए, जैसे पेन पकड़े वैसे बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए, बस थोड़ा नीचे झुका देना सिस्टम को।
झुक गया क्या? झुका नहीं झुका भाई मेरे? झुक गया सर। करणप्रीत जी, करणप्रीत जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही नहीं आ रही? हाँ जी सर, हाँ जी। तो डायरेक्शन आ गई सभी की, सेकंड नंबर वाली की नहीं आई थी, बताओ मुझे। ये सर आ रही है। बाकी लोग बताएं, सभी लोग आ गई सर। सिमरन जी सर आ गई। डायरेक्शन हमने तीनों पैन यूज किया था ना, मैंने देखो देखा नहीं किसी को जी। हमने अगर तीनों पैन यूज किए होंगे तो पहले जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हुआ, पैन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हुआ तो डायरेक्शन डीबी की ऊपर की तरफ गई होगी, और जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल को थोड़ा तिरछा कर दोगे नीचे की तरफ तो डीबी थोड़ा तिरछा जाएगा, ऐसे करके जाएगा और सेकंड नंबर वाला डायग्राम बन रहा होगा जी। सभी का बन रहा है ये? सभी का बन रहा है भाई? यस सर। किसी को डाउट है पूछ लो। अनुराग जी बन गया भाई? यस सर बिल्कुल। अर्णव जी, अर्जुन जी बिल्कुल बन गया डायग्राम? हाँ जी सर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। क्योंकि एक्चुअल में जब क्लास होती है ना, फिजिकली क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, और बच्चों को दिखाना बड़ा आसान होता है जी। तो बच्चों को दिख रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है, आप स्क्रीन में कितना देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, मुझे भी थोड़ा कई बार एनालाइज कम होता है जी। तो मैंने पूरी कोशिश कर दी समझाने की, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई बात, फिर भी एक बार आप खुद से भी ट्राई करना सभी लोग जी। क्योंकि इसके इस पूरी डायरेक्शन के डायग्राम में है, बाकी डायरेक्शन तो सिंपल है, एक मिनट में खत्म हो जाएगी जी सब कुछ। मैंने डायग्राम इसका डायग्राम परफेक्टली क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को जी। क्या सभी को परफेक्टली डायग्राम क्लियर है सभी को एकदम बढ़िया सा? यस सर। ठीक है जी, बाकी तो डायरेक्शन में कुछ नहीं जी, मैं एक मिनट खत्म करने वाला हूँ जी अभी। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट मेन थे, एक हमारा था आईडीएल और आर के बीच का एंगल, और दूसरा था डीबी की डायरेक्शन जी। इसी करके ये बोर्ड में ना तीन चार बार डायरेक्शन आ चुकी है, वो भी 5 मार्क्स की आई है जी, हर बार 5 मार्क्स की आई है। कोई बच्चे इसका डायग्राम एनालाइज ही नहीं कर पाते जी, मतलब बुक के अंदर डायग्राम बना भी होता ना रट्टा मार लेते, लेकिन उनको समझ नहीं आता डायग्राम बना कैसे है, और बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि एंगल 90 कैसे आया आईडीएल और आर के बीच में जी। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी जी। बहुत सारे लोगों को बात समझ नहीं आती कि डीबी तिरछा ऐसे क्यों गया, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आई होगी शायद। आइए सभी को समझे भाई, चलिए जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद सभी का जी। क्योंकि कई बार मुझे भी लगता है कि बात में बच्चों को कैसे समझाऊं इधर बैठ के, फिजिकली समझाना बहुत आसान होता है जी जब बिल्कुल ऑफलाइन क्लास चलती है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, अब मैं प्रॉपर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, किसी ने कोई भी पॉइंट पूछना तो मुझसे पूछ सकता है जी, किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है जी बिना किसी हेजिटेशन के। चलो देखो जरा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ प्रॉपर जी, अब पूरा प्रॉपर डायग्राम है जी, अब कुछ नहीं रह गया समझाने वाला काम, अब खाली डायग्राम बनाने वाला काम रहेगा जी बस। सबसे पहले ये हमारी होगी कॉइल, अब जैसी बन रही कॉइल वैसी बना लेते हैं जी। ये सेंटर, ये एक्सिस होगी, ये इसका रेडियस हो गया आर, और सेंटर से ये दूरी होगी हमारी एक्स। इसके अलावा ये हो गया करंट, और ये हो गया छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल, दैट्स द आईडीएल। इसके डायरेक्शन बाहर स्क्रीन से बाहर की होगी, और इस आईडीएल को मैंने मिला दिया यहां से, ये आर ले लिया। इस आर की लंबाई हुई रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, वो मैं लंबाई बाद में लिखूंगा इसके लिए, ठीक है ना। अब देखो जी आगे जरा, अच्छा अब जो हमारी इस एलिमेंट से यहां पर जो फील बनेगी डीबी, वो बनेगी ऐसे, ये बन जाएगा डीबी, और डीबी इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा, ये तो एंगल 90 का ही, और ये जो तिरछा प्लेन बन रहा है ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर जाएगी ऐसे करके। अच्छा ये एंगल मैंने थीटा माना था, इस एक्सिस को मैंने ऐसे करके आगे बढ़ाया और यहां पे ड्रॉ कर दिया मैंने एक परपेंडिकुलर दिया ऐसे करके। अब यहां से देखो,
यहाँ से येलो से लेके ये डॉटेड लाइन है, ये एंगल 90 डिग्री का है, येलो से लेके डॉटेड तक का एंगल 90 डिग्री है। तो इतना एंगल अगर थीटा बनेगा तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल, व्हाट दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ओके, अच्छा व्हाइट लाइन से लेके जो रेड लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, कोई डीबी आर के परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहां से लेके यहां तक एंगल थीटा है, सॉरी यहां से लेके यहां तक एंगल 90 है। तो अगर ये जो एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये सर थीटा। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है, ये दिस एंगल इज थीटा, सभी को पॉइंट क्लियर है, एंगल क्लियर है सभी को जी? यस सर। इज इट क्लियर टू एंगल एवरीबॉडी, सबको एंगल समझ आ गया भाई? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भी। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, अब यहां से लेके यहां तक एंगल 90 है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो बाकी एंगल लगेगा थीटा। अब डीबी के बनेंगे दो कंपोनेंट्स, ऊपर बनेगा डीबी कॉस थीटा और जो हॉरिजॉन्टल में बनेगा वो बनेगा डीबी साइन थीटा। तो डीबी के बनेंगे दो कंपोनेंट्स, ऊपर बनेगा डीबी कॉस थीटा और ये बनेगा डीबी साइन थीटा। अच्छा मैंने अगर एक एलिमेंट यहां पर लिया आइडियल, तो अगर मैं एक एलिमेंट यहां पर लेता आइडियल यहां पर नीचे बिल्कुल जस्ट अपोजिट, तो इसमें जो करंट होता वो अंदर क्यों जाता ऐसे करके, और इसको अगर मैं ऐसे करके मिलाता तो ये लंबाई आर थी, तो ये लंबाई भी आर होती। जब मैंने इसकी डायरेक्शन निकाली तो ऐसे करके आई थी, जब इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो ऐसे करके आएगी डीबी और ये भी एंगल बनेगा थीटा। तो इस डीबी के भी बनेंगे दो कंपोनेंट्स, नीचे बनेगा डीबी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल में क्या बनेगा डीबी साइन थीटा। तो कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे, कौन से कंपोनेंट्स कट जाएंगे, डीबी कॉस थीटा वाले। क्या सभी को दिख रहा है डायग्राम, पहले डायग्राम नोट कर लो सब लोग प्रॉपरली, बढ़िया से डायग्राम बना लो, ऐसे करके प्रॉपरली बढ़िया डायग्राम बना लो सभी के सभी, अभी के भी फटाफट कर लो प्रॉपरली बढ़िया डायग्राम बना लो, ताकि हम लोग एक मिनट में काम खत्म कर दें इसका। सर कोई हेडिंग डालनी है इसकी, हेडिंग तो पहले डाल दी थी मैंने भाई मेरे, हेडिंग तो किसी का नहीं है, ये रही ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये रही हेडिंग, दैट इज द हेडिंग। ओके ये डायग्राम बन गया सभी का, सबका डायग्राम बन गया, ये प्रॉपरली डायग्राम बनाना बढ़िया सर जी, डायग्राम सभी का प्रॉपर बढ़िया होना चाहिए, घटिया डायग्राम नहीं चलेगा किसी का। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है जी। बाकी लोग बताओ जी, टू नहीं आएगा सर, डीबी साइन थीटा आएगा। बाकी लोग बताओ जी, बाकी लोग बताओ। देखो इसमें करंट एलिमेंट जो हमने अभी दो लिए ना, एक यहां पर लिया एक यहां पर लिया है, अब पूरी कॉइल में करंट एलिमेंट दो थोड़े ना होंगे, पूरी कॉइल में करंट एलिमेंट तो बहुत सारे होंगे, जैसे एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हुआ, एक यहां पर हुआ, एक यहां पर हुआ, एक यहां पर हुआ, और सभी के बनेंगे कंपोनेंट्स, जितने भी डीबी कॉस वाले होंगे सारे कट जाएंगे और जितने भी डीबी साइन वाले होंगे सारे जुड़ जाएंगे, तो नेट फील्ड बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। तो डीबी साइन थीटा खाली दो नहीं बनेंगे, डीबी साइन थीटा बहुत सारे बनने वाले हैं, तो जो हमारी नेट फील्ड बनेगी वो बनेगी डीबी साइन थीटा। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है भाई, जल्दी जल्दी बताओ जी, फास्ट एंड फास्ट, क्या सभी को पॉइंट क्लियर जी, कि जो नेट फील्ड बनेगी सारे डीबी साइन थीटा को जोड़ देंगे तो नेट फील्ड बन जाएगी डीबी साइन थीटा। सबका डायग्राम बन गया ये वाला पूरा, जल्दी से बताओ जी एक बार। यस सर,
डीबी का फॉर्मूला देखो, डीबी बनेगा इस एलिमेंट से फील्ड, तो डीबी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, आर है ये वाली दूरी और साइन थीटा में थीटा होगा आईडीएल और आर के बीच का एंगल, और ये एंगल 90 डिग्री का, तो उसे पुट करेंगे 90 डिग्री की, तो डीबी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडीएल साइन 90 अपॉन में आर का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी डीबी की, कि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आईडीएल साइन 91 हो गया अपॉन में आर का स्क्वायर, ये तो डीबी की वैल्यू पुट कर दी। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन थीटा का फॉर्मूला इस ट्रायंगल में बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल से बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कैपिटल एक्स बाय आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है जी, हो गया सभी का जी, अब ध्यान सुनना जी आप। अच्छा जो अपना डीएल है, डीएल डीएल इज द लेंथ, इसकी लेंथ छोटी से छोटी जीरो होगी डीएल की, और बड़ी से बड़ी पूरा सर्कमफेरेंस होगा टू पाई आर, बाहर ले लो जी म्यू नॉट, बाहर ले लो जी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई आर। अच्छा आर की वैल्यू कितनी, छोटे आर की वैल्यू कितनी है, छोटे आर की वैल्यू है आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का रूट, रूट मतलब 1/2, और ये क्यूब है, तो अगर इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का क्यूब कर देंगे तो 3/2 पावर बन जाएगी, तो बन जाएगा मान लिए ये बन जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2, और अंदर आ गया डीएल, डीएल को कर देंगे इंटीग्रेट, तो डीएल को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आएगी टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, और सर्कल की जो टोटल लेंथ बन जाएगी वो जाएगी 2πr, तो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट दैट 2πr, 2 × 4, तो हमारा आंसर बन गया जी मी नॉट आई, ये आर एक यहां पर भी है एक आर यहां पर भी है, तो 2π काटा आर नहीं काटा है, अपॉन में 2 और r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2, ये फार्मूला जी हमारा। एक बार सब लोग नोट भी कर लो, चेक भी करो, पूछना पूछ लो मेरे से। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा के लिए बात समझा आगे भी, इंटीग्रेशन एक बार वापस बता दो सर, इंटीग्रेशन वापस ला रहा हूं मैं, पर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा क्यों लिखा वो मान लिया, मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा क्यों लिखा वो मान चल गया, हाँ सर वो पता चल गया, क्योंकि इस पूरे रिंग में करंट एलिमेंट दो नहीं होंगे, जो मैंने दो लिए ना अभी, दो से तो दो बन गए, ये दो लिए थे दो बन गए डीबी साइन, तीन लेंगे तो तीन बन जाएंगे, चार में चार बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। फिर डीबी का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर, साइन थीटा में थीटा हुआ आईडीएल और आर के बीच का एंगल, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो 90 पुट कर दिया, और जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू हमारे पास इतनी होगी, जब उसका क्यूब करेंगे तो वैल्यू इतनी बन जाएगी। अब डीबी की जगह पुट कर दो डीबी की वैल्यू, और साइन थीटा की जगह पुट कर दो आर बाय स्मॉल आर, जो चीज कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले जाओ, म्यू नॉट बाहर आ गया, फोर पाई बाहर आ गया, और ये आर बाहर आ गया, और ये आर क्यूब बाहर आ गया, और आर क्यूब की जगह पुट कर दी आर क्यूब की वैल्यू, और ये आर आर रह रहा, और जो अंदर रह गया डीएल, मैं अलग से दिखा रहा हूँ, अंदर रह गया डीएल और लिमिट है जीरो से लेके टू पाई आर, डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे तो एल मिलेगा ना एल, और एल क्या हुआ जीरो से लेके टू पाई आर, ऐसे करके तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया। अच्छा उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो अपर माइनस लोअर पुट कर दो, हेलो बस बस बैठे एक मिनट, एक मिनट बस, ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे लिमिट, लिमिट कैसे पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो 2 पाई आर माइनस 0 पुट कर देंगे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 2 पाई आर हो गया एंड यू गेट द आंसर आफ्टर दैट। तो जहां पर इंटीग्रेशन आएगा डीएल का एल हो जाएगा, फिर पुट करेंगे अपर माइनस लोअर तो 2 पाई आर लिख देंगे, तो जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो और आंसर मिल जाएगा, तो नहीं ये वाला जी, क्या पॉइंट क्लियर सभी को जी, बताएं सभी लोग फास्ट एंड फास्ट देखिए एक बार नोट कर लो सभी लोग।
बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, पूरा प्रॉपरली नोट करना। मैं एक मिनट जरा, एक मिनट अभी आ रहा हूँ, बस एक मिनट, जाना किसी नहीं है, मैं एक मिनट आ रहा हूँ बस। हो गए सभी नोट भी, ये सबका नोट हो गया क्या? Yes, उसने कुछ पूछना पूछ लो मेरे से जी, किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, क्योंकि तो थोड़ी सी तगड़ी डायरेक्शन था ये, किसी ने कुछ भी पूछा हो इस डायरेक्शन के बारे में, कोई पॉइंट रह गया हो, ना समझ आया हो जी, और इसको अभी आप रिवाइज करना, अभी जस्ट क्लास के बाद एक बार हर चीज को देखना, एंगल 90 देखना, थीटा एंगल देखना, कंपोनेंट्स देखना, डायरेक्शन देखना, अभी रिवाइज करना, तो अभी के अभी ना दिमाग में बैठ जाएगी, और फिर कल एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। जैसे डॉक्टर की बोली होती ना कि एक जैसा अभी गजा के ले लो, दूसरी फिर शाम को ले लेना, तीसरी कल दोपहर को ले लेना, ऐसे करके। सबको बेटा पॉइंट क्लियर भी है? अनुराग भाई सर, सिमरन जी, सिमरन जी आवाज आ रही मेरी? तरनप्रीत कौर जी, हाँ जी सर आ गई। शीतल जी, नीतू जी, शिवांश, इंदु, अनुभव, यस सर, अर्जुन गुप्ता, अनुराग पोरवाल, चलो ठीक है जी। तो फिर बेटा आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे की कहानी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर परसों, पर इसको पूरा रट के रखना जी, रट्टा मार के रखना जी, अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जी, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है जी, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी, एंड टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, एंड टिंग टाउन, बाय बाय सभी को जी, सभी को बाय बाय।